हम लोग जामिया हमदर्द के साथ हैं यहाँ पे। हम लोगों को इन्होंने कोविड वार्ड में ड्यूटी लगाया। हमने पूरे पैंडेमिक सिचुएशन में यहाँ पे ड्यूटी की है। हमें बहुत सारी इन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की थी, जैसे पानी हो गया, पीपी किट हो गया, अलाउंसेस हो गए। इन्होंने हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। इसके लिए हमने जब इनके सामने डिमांड रखी, इन्होंने पूरे 84 स्टाफ को निकाल दिया। इन्होंने पहले तो हमसे टाइम मांगा कि हमें आप सैटरडे तक का टाइम दे दो, हम लोग आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन करके देंगे। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हमारी कोई सुनी नहीं। इन्होंने 11 जुलाई को, पहले जब हमने अपना रेजिग्नेशन दिया, ये लोग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, इन्होंने पूरा ऑफिशियली लेटर निकाल दिया कि आप लोग रेजिग्नेशन नहीं कर सकते। उसमें डॉक्टर्स, नर्सेस सबके नेम से, लेकिन ये मेरे पास लेटर भी है इनका, जो इन्होंने ऑफिशियली लेटर निकाला है। यू केम फॉर द मॉर्निंग ड्यूटी इन द मॉर्निंग यस्टरडे एंड आई गॉट द लास्ट नाइट द रेजिग्नेशन लेटर इन माय व्हाट्सएप। ये आप लेटर देख सकते हो, इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि डॉक्टर्स और नर्सेस यहाँ से रेजिग्नेशन नहीं कर सकते। आफ्टर दैट इन्होंने, गवर्नमेंट का भी हमारे पास रूल है कि पैंडेमिक सिचुएशन में आप लोग रेजिग्नेशन नहीं कर सकते। 11 जुलाई को इन्होंने 84 स्टाफ को रिलीव किया है विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी सैलरी। कईयों की सैलरी भी इन्होंने होल्ड करी है लॉकडाउन में। मैं HHC हॉस्पिटल का स्टाफ हूँ और मैंने कोविड पॉजिटिव के अंदर मैं जॉब करता हूँ। और मैं, हमारी यहाँ पे कुछ बेसिक नीड्स थी, जैसे हमने मतलब मास्क मांगा था N95, बट ये 3 mm का मास्क दे रहे हैं। उसके बाद में हमने एक जो पीपी मिल रहा हमें, इतना वो बिल्कुल ओपन मिल रहा, हमने अच्छे क्वालिटी की पीपी मांगा था। और हमें क्वारंटाइन के लिए हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। हमने मतलब पानी के लिए पानी मांगा था, पीने के लिए पानी तक इन्होंने अवेलेबल करवाने के लिए 2 महीने लगा दिए पानी के लिए। उसके बाद में जो अलाउंस होता है वो हमारे को नहीं दिया। जो हमने बेसिक नीड्स जो इनको बोली थी, इन्होंने साफ मना किया था। हमारे पास रहने के लिए भी नहीं है कुछ, और ना हमारे पास पैसा है देने के लिए। बस ये जो हमने बेसिक नीड्स थी वो हमने इनके सामने रखी, तो इन लोगों ने हमें 84 जनों को इन्होंने हमें टर्मिनेट कर दिया। But they took the interview, but they didn't extended our extension. And after doing so much of hustle, giving interview to our ANS ma'am, she didn't renew it. But now they are giving an official letter that they are giving this excuse that they were not able to renew our extension just because there was COVID-19. But we all gave interview in the month of February, and the extension proper lockdown started from the March of 22nd. So if they were supposed to terminate at the month of March, so tell me the reason why they extended it for the last 3 more months. If they have to, my contract ended in March 5th, all of us. But they didn't terminate that point of time. Neither they told us that you are going to be terminated in the next 3 months. They didn't told anything about it. एक्सटेंशन हुआ था फेब्रुअरी में, हमारा इंटरव्यू भी हुआ था, हमारे इंचार्ज ने भी लिया, HOD ने भी लिया, ANS ने भी लिया, और लेटर पे साइन भी हुआ था, लेटर पे साइन हुआ, उसमें लिखा गया है इनकी मेहनत और एक्सटेंशन के लिए। आपका एक्सटेंशन का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आया तो सर, ये तो इंचार्ज ने हमारे बोला है कि तुम्हारा बीजी मैम के पास है, ये काम की वजह से अभी ड्यू है, बाकी हो गया है। आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया तो नहीं आया, उन्होंने ये बोला पेंडेमिक में है, ये HR क्लोज है, सर लिखित के लिए मना किया है कि आपको मेल आएगा, मेल ही करो, हर चीज का मेल कर रहे हैं, मेल ही हमारा मेल आता ही नहीं है। पैंडेमिक पैंडेमिक करके वो कर रहे हैं। मेरी बात मेरी बात अभी सर आप 84 आप दोबारा ज्वाइन दे सर, मैंने सुन ली बेटे, मैंने सुन ली आपकी बात, मैंने सबकी बात सुन ली। पिछले कई सालों से जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है, हाथ जोड़ के विनती है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, जो हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। आप लोगों को मंजूर हो मंजूर करें, नहीं मंजूर हो तो आपका हक है, आप जो चाहे करें। सर सुनिए तो सर, दिस इज अ फ्री इंडिया बेटा, दिस इज फ्री इंडिया, यू कैन डू व्हाट यू वांट टू।
खत्म हो गया तो हमें इन्फॉर्म तो होता है कि सर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया कहीं और जॉब देखो। सर 10 तारीख को रिलीज कर दिया, 11 तारीख हमने ड्यूटी करी है। 11 तारीख को ड्यूटी किया, हमने 11 में ड्यूटी करी है। किसी ने वर्बल तो नहीं बोला कि सर मैंने जितनी बार पूछा मुझे बोला तुम्हारा एक्सटेंशन हो गया, ड्यूटी आओ। सर ड्यूटी क्यों लगाई जा रही थी, सैलरी भी मिल रही थी, ड्यूटी क्यों लगाई जा रही थी? कोविड में करा लिया फ्री, अगर एक्सटेंशन नहीं था तो आपने कोविड में काम ड्यूटी क्यों लगवाई? कोविड में करा लिया फ्री फंड में, 4 महीने से कर रही हूँ। फ्री फंड में किसी ने नहीं कराया, ये झूठ। जब आप बोल रहे कि एक्सटेंशन नहीं था, फ्री फंड नहीं था, जब मुझे 5 साल हो गए यहाँ पे, कई स्टाफ है 10 साल हो गए उनको, जो 10 साल से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ये कहाँ का जस्टिस है कि ये लोग एकदम से एक दिन में निकाल दें?